रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आज जो किसान है, गन्ना पैदा करता है, वह परेशान है कि क्या होगा, हमारा यह व्यापार रहेगा या नहीं रहेगा, उसका यह व्यापार चलेगा या नहीं चलेगा। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि किसानों को गन्ने की ज़्यादा कीमत मिले, हम किसानों की सहायता करना चाहते हैं और किसानों से हम यह आशा करते हैं कि वे अधिक पैदा करें, लेकिन दूसरी तरफ किसानों को जो मिलने वाली चीज़ें हैं उन पर नए कर लगाए जाते हैं। केवल केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि राज्य सरकारें भी कर लगाती रहती हैं। अधिक उपज के लिए किसानों को कुछ चीज़ों की आवश्यकता है जिनकी पूर्ति करना बहुत आवश्यक है। उनको ऐसे साधन चाहिए जिनको वे खेती में उपयोग कर सकें। हमारे प्रदेश में बड़े बड़े बांध बने हैं और उनसे बिजली पैदा होती है, लेकिन बिजली घर का कहीं पता नहीं है। बिजली घर यदि बना भी हुआ है तो भी उनको बिजली नहीं मिलती है। नलकूप पड़े हैं लेकिन चालू नहीं किए जा रहे हैं। जहां पर बिजली पहुंची भी है वहां के जो किसान हैं वे भी दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं, लेकिन उनको बिजली नहीं मिलती है। बेचारे किसी तरह से कर्ज लेकर डीजल पंप खरीदते हैं और उससे वे काम चला रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने डीजल तेल पर भी कर बढ़ा दिया है। इसका नतीजा यह होगा कि उनके पंप पड़े रह जाएंगे, फिर आपको कहां से अन्न मिलेगा। आप किसान से यह आशा करते हैं कि वह अधिक अन्न पैदा करके आपको दे, उपज बढ़ावे, लेकिन जो साधन हैं उन पर आप कर लगाते जा रहे हैं। किसान पर आप इतना बोझ डालते जा रहे हैं कि उनके प्रयोग को ही वह भूल जाएगा। खाद की भी बात की जाती है, आप कारखाने भी खोलना चाहते हैं। दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उनको आप निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ आकर वे खाद के कारखाने खोलें और खाद पैदा करें। क्या खाद आप इसलिए पैदा करना चाहते हैं कि किसान उसको ले जाए और उसकी फसल भस्म हो जाए? कारण यह है कि उसको समय पर पानी तो मिलेगा नहीं। अगर पानी नहीं मिलेगा तो खाद किस काम आएगा? इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उसे पहले पानी दिया जाए। ब्राह्मण।